16 जुलाई सुबह के 5:30 बजे अमेरिका में एक न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग होती है, जिसका रिजल्ट देखकर इस बम के क्रिएटर ओपनहाइमर के मुंह से एक बात निकलती है और यह बात सच भी हो जाती है। इस बॉम्ब की टेस्टिंग के 20 दिन बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान के हिरोशिमा पर सुबह 8:15 बजे लिटिल बॉय बॉम्ब को गिरा देता है, जो लगभग 70,000 लोगों की इंस्टेंटली जान ले लेता है और इतने ही लोगों की जान अगले 2 महीने में और ले लेता है। और इसके बाद में हम चांद और मंगल पर लाइफ ढूंढ रहे हैं। ओपनहाइमर ने 2 बॉम्ब बनाए, फैटमैन और लिटिल बॉय। लिटिल बॉय में एज एक्सप्लोजिव यूरेनियम को काम में लिया गया और फैटमैन में प्लूटोनियम को। प्लूटोनियम और यूरेनियम दोनों ही रेडियोएक्टिव मटेरियल है, लेकिन यहाँ पर यूरेनियम के आइसोटोप्स U-35 को काम में लिया गया और प्लूटोनियम के आइसोटोप्स P-239 को, क्योंकि सिर्फ इन्हीं आइसोटोप के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस हो सकती है और इसमें न्यूट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होती है, जो अभी आपको थोड़ा आगे समझ में आ जाएगा। लेकिन आज की नई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टिंग बात है कि 1945 में लिटिल बॉय बॉम्ब में 64 kg एनरिच्ड यूरेनियम को काम में लिया गया, जो 15,000 टन TNT जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन आज का 1 kg यूरेनियम 20,000 टन TNT जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, जो 80 गुना ज्यादा पावरफुल है 1945 के बॉम्ब से। तो आज का न्यूक्लियर बॉम्ब साइज में भी छोटा है और पावर में भी बहुत ज्यादा है। एक्सप्लोजिव मटेरियल आज भी प्लूटोनियम और यूरेनियम ही है, लेकिन यह ज्यादा प्योर फॉर्म में है। यदि यूरेनियम की पावर को हम आसान भाषा में समझे तो थर्मल पावर प्लांट में कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम को यूज में लिया जाता है, तो वहां पर 1 kg यूरेनियम 27,00,000 kg कोयले के बराबर होता है। यूरेनियम का एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, तो इसको न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस से छोटे एटम्स में तोड़ा जाता है और जब यह यूरेनियम ब्रेकडाउन होता है तो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। जैसे अपन यहाँ पे समझते हैं यह कोई यूरेनियम का एटम है, अब यह एटम नॉर्मल कंडीशन के अंदर स्टेबल रहता है, लेकिन हमें तो इसको अनस्टेबल करना है ताकि अपनी एनर्जी को यह रिलीज कर सके। इसलिए हम एक न्यूट्रॉन इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम इसमें न्यूट्रॉन ऐड करते हैं तो यह अनस्टेबल हो जाता है और यह 2 एटम के अंदर टूट जाता है। अब इस ब्रेकडाउन से 3 न्यूट्रॉन और जबरदस्त एनर्जी निकलती है। अब इस न्यूट्रॉन के पास में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और इसकी ट्रेवलिंग स्पीड भी इतनी ज्यादा होती है कि यह लाइट की स्पीड का 30% स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो यह तीनों न्यूट्रॉन आगे और न्यूट्रॉन के एटम से टकराते हैं और उनको तोड़ते हैं और फिर उनसे न्यूट्रॉन और एनर्जी निकलती है और फिर वह और आगे यूरेनियम के एटम को तोड़ते हैं। इस टाइप से एक लंबी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चलती है जब तक पूरे यूरेनियम के एटम से एनर्जी ना निकल जाए। अब न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर यह प्रोसेस तो होती ही है, लेकिन इस प्रोसेस को कंडक्ट करवाने के लिए बॉम्ब की डिजाइन अलग हो सकती है। ओपनहाइमर के लिटिल बॉय बॉम्ब को एक्टिवेट करने की डिजाइन एक गन के मैकेनिज्म के जैसी थी, जिसको अभी हम आगे समझेंगे। बॉम्ब 10 फीट लॉन्ग और 28 इंच का डायमीटर था और इसका वेट 4,400 kg था। जिस एयरक्राफ्ट से इस बॉम्ब को गिराया जाने वाला था उसका नाम B-29, जो एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। जब एयरक्राफ्ट 38,000 फीट की हाइट पर था तब एयरक्राफ्ट अपने डोर ओपन करता है और बॉम्ब को नीचे गिराता है। यहाँ से बॉम्ब का काम शुरू होता है। इसके पीछे की तरफ फिंस लगे हैं जो अब इसको हवा में बैलेंस करने के काम आएंगे। बॉम्ब गिरते ही इसमें 24 वोल्ट की बैटरी होती है, जो टाइमर और बॉम्ब में लगे सेंसर को एक्टिवेट कर देता है। बेरोमीटर सेंसर कंटिन्यूअसली ग्राउंड से हाइट को चेक करता रहता है और साथ में बॉम्ब की बॉडी पर लगे रडार सेंसर भी एक्टिवेट हो जाते हैं। जब बॉम्ब हिरोशिमा के ग्राउंड से 1900 फीट के ऊपर था तब फायरिंग स्विच को एक्टिवेट किया गया। यह स्विच इग्नाइटर को ऑन करता है, जो स्पार्क जनरेट करता है और इस स्पार्क के सामने कोरोडाइट पाउडर से भरे हुए सिल्क के सिलेंड्रिकल बैग होते हैं। कोरोडाइट एक स्मोकलेस प्रोपेलेंट होता है, जिसमें स्पार्क से एक एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन के आगे टंगस्टन कार्बाइड डिस्क लगी रहती है, जिस पर इस एक्सप्लोजन का जबरदस्त फोर्स आता है और इस डिस्क के आगे एनरिच्ड यूरेनियम 235 की सब क्रिटिकल मास वैल्यू रखी जाती है, जो बीच में से खाली रिंग जैसी होती है, जिसका वजन 38.4 kg है। अब एक्सप्लोजन से टंगस्टन कार्बाइड डिस्क 300 m/s की स्पीड में यूरेनियम को लेकर आगे बढ़ती है और फ्रंट साइड में एनरिच्ड यूरेनियम 235 को ही सिलेंड्रिकल फॉर्म में सुपर क्रिटिकल वैल्यू रखी जाती है, जिसका वेट 25.6 kg है, जो एक्सप्लोजन के लिए तैयार बैठा है। यहाँ पर एनरिच्ड यूरेनियम की सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल मास वैल्यू को रखा जाता है, जिससे क्रिटिकल मास को अचीव किया जाता है और क्रिटिकल मास वह वैल्यू है जिस पर यूरेनियम फिजनेबल बनता है, अदरवाइज न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस इसमें शुरू ही नहीं होगी। तो जैसे ही यूरेनियम की रिंग स्पीड में आकर इस सिलेंडर में फिट होती है तो पीछे की तरफ
स्टार्टअप इनिशिएटर लगे रहते हैं जो न्यूट्रॉन्स को इंजेक्ट करना शुरू कर देंगे, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो गन बैरल है वह बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल की बनी है, तो जब तक न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक यह मेटल यूरेनियम को होल्ड करके रखती है, और जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि यह मेटल पिघल के ब्लास्ट हो जाती है। और यह ब्लास्ट इतना जबरदस्त होता है कि 1200 फीट डायमीटर की एक जबरदस्त फायरबॉल क्रिएट होती है जो ऊपर 6000 फीट तक जाती है। यह एक मशरूम जैसा चमकदार बादल होता है जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो सन के सरफेस टेम्परेचर के बराबर है। इस फायरबॉल ने पलक झपकते ही लगभग 40,000 लोगों की जान ले ली। इसके एरिया में जितने भी लोग थे वे एकदम गायब हो जाएंगे, उनकी हड्डियां भी नहीं बचेगी, भाप बन जाएगी। यह जो फायरबॉल है ये बहुत ज्यादा शॉक वेव क्रिएट करेगी और शॉक वेव चारों तरफ हर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी साउंड की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में, जिससे जोरदार अर्थक्वेक भी आना शुरू हो जाएंगे। लिटिल बॉय बॉम्ब को सरफेस से कुछ ऊंचाई पर ब्लास्ट किया गया ताकि इसकी फायरबॉल ज्यादा एरिया को कवर कर सके। ब्लास्ट होते ही टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि यहाँ पर जो हवा थी वह गर्म होकर उड़ जाती है, जिससे यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। बॉम्ब के सेंटर को बैलेंस करने के लिए साइड की हवाएं बॉम्ब के सेंटर की तरफ बढ़ेगी, जिससे यह फायरबॉल फायर स्ट्रोम में बदल जाती है, जिसका डायमीटर 3.2 किलोमीटर का है। और इस फायरबॉल से इतना प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा कि इसके डायमीटर में जितने भी लोग हैं वे तुरंत खत्म हो जाएंगे और बिल्डिंग्स राख हो जाएगी। इसके बाद लगभग 11 किलोमीटर तक बॉम्ब के सेंटर से जो लोग हैं उन पर अच्छी खासी रेडिएशन का असर देखा जाएगा, जिनसे लोगों की स्किन जलने लग जाएगी। इस बॉम्ब में मेनली तीन वजह से लोग मरते हैं, ब्लास्ट, फायर और रेडिएशन। ब्लास्ट और फायर से तो लोग उसी टाइम खत्म हो जाएंगे, लेकिन यह जो रेडिएशन है यह कई हजार सालों तक लोगों को मारती रहेगी और लोगों पर इसके साइड इफेक्ट होते रहेंगे और कैंसर का खतरा तो हमेशा बना ही रहेगा। अमेरिका के हिरोशिमा और नागासाकी पर इस बॉम्ब की वजह से लगभग 2,00,000 लोग मारे गए और उस एरिया में आज भी उस न्यूक्लियर बॉम्ब का इफेक्ट देखा जा सकता है, जिसकी फोटोज आप यहाँ पर देख सकते हो। ओपनहाइमर को अपने इस आविष्कार को लेकर बहुत रिग्रेट था और उन्होंने इस न्यूक्लियर बॉम्ब पर बैन लगाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह कर नहीं पाए। अब आप ही बताओ ओपनहाइमर हीरो है या विलेन। 1 किलो यूरेनियम प्राइस $7 मिलियन का है, फिर भी हमारी अर्थ पर 12,500 न्यूक्लियर बॉम्ब अवेलेबल है। आज 10 से भी ज्यादा कंट्री के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है। पिछले 80 सालों में से किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम इंसान एक हाथ में पेट्रोल और एक हाथ में जलती हुई माचिस लेकर घूम रहे। ऐसा बेहतरीन 3D एनिमेशन आपको भी सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक दिया हुआ है। हमारी 3D कम्युनिटी में आपका स्वागत है। आप चैनल पर विजिट करके और भी ढेर सारे ऐसे वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू।